बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ई कॉमर्स का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होते हैं हमारे पास ई कॉमर्स के, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे में इसके क्या असर आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके हम लोग असरात देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असरात हमारे पास होते हैं पॉजिटिव और उसके बाद हमारे पास होते हैं नेगेटिव, क्योंकि दो होंगे हमारे पास इसके। और हम लोग देखेंगे इसके फ़ायदे और इसके नुकसान, यानी कि पॉजिटिव असरात हमारे पास क्या हैं और नेगेटिव इसके असरात हमारे पास क्या हैं हमारे माशरे के ऊपर। पहले सही वाले बात कर लेते हैं जो पॉजिटिव हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कन्वीनियंट, यानी कि हमारे पास बहुत अच्छा होता है कन्वीनियंट कि हम लोग घर बैठ के ही काम कर लें, आलसी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग जो है कोई वेबसाइट यूज़ करें तो बहुत अच्छी होती है, अच्छी होने से बात कि वेबसाइट का अच्छा इंटरफेस होता है, मोबाइल के ऊपर चाहे करें, चाहे कंप्यूटर के ऊपर, चाहे लैपटॉप के ऊपर, चाहे टैबलेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको मिलने को मिले। उसके बाद हमारे पास है डिसेबल्ड एंड एल्डर, यानी कि अगर कोई इंसान डिसेबल है ना, कोई माजूर है ना, कोई चल नहीं सकता ज़्यादा, या कि ज़्यादा बूढ़े बूढ़ा इंसान है, तो वो क्या है कि उसके लिए बहुत फ़ायदा है कि वो घर बैठकर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को मंगवा सकता है ऑनलाइन के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम के सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारा टाइम बच जाता है। अगर हम लोगों ने मार्केट जाना हो, सामान लेना हो, कोई मोबाइल लेना हो या कि पेन लेना हो या कुछ भी लेना हो, तो हम लोग मार्केट जाएंगे, तकरीबन काफ़ी सारा हमारा टाइम लगेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि हम लोग जैसे घर बैठे ही अपना सिस्टम जो है सारे के थ्रू चीज़ें मंगवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन्फॉर्मेशन की, और हम लोग हमारे पास प्राइस में कंपेरिजन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको कह दूं कि आप लोगों ने माइक लेना ना, एक माइक साउंड रिकॉर्डिंग का माइक, या मोबाइल लेना, कोई भी आप लोग समझ लें, या शूज़ लेना, आपने माइक लेना ना, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माइक लिया होगा, या आप लोग इस माइक के अंदर प्राइस में कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का माइक जो है कितने में है, कौन किसके फीचर्स ज़्यादा हैं, किसके फीचर्स कम हैं, आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जॉब्स। जॉब्स अब कैसे आएगी? जॉब्स ऐसे आएगी कि जिस तरह अगर किसी ने वेबसाइट बनवानी होगी, देन वो कोई ना कोई बंदा हायर तो करेगी, किसी ना किसी को तो जॉब देगी ई कॉमर्स, अगर उसको वेबसाइट बनवानी है, चाहे वो जब हायर करेगी देन वो एक बंदा भी हो सकता है, या किसी कंपनी ने अपने लिए कि बनवानी है, बड़ी वेबसाइट बनवानी है, तो काफ़ी सारे बंदों को हायर करेगी। तो इस तरह जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी होती है इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है कि 24/7, यानी कि आप लोग अगर शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग फिज़िकल की बात करें, तो वो रात को 10 बजे 11 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। लेकिन ई कॉमर्स में हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है कि आप किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, आप 24 घंटे 7 दिन में किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं, सुबह शाम, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, सुबह के टाइम, जब भी दिल करे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर चॉइस, हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है चूज़ करने के लिए। जैसे हम लोग ने ये देखा था कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड प्राइस कंपैरिजन होती है, बहुत सारी चॉइस आ जाती हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास होता है कि प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर से मुराद ये होता है कि हम मार्केट में चीज़ आती नहीं है लेकिन आपके पास पहले आ जाती है। जिस तरह अगर किसी ने मोबाइल लॉन्च करना हो ना, वट मोबाइल एक ऐप है, वट मोबाइल वो एक ऐप है, वहाँ पर आप लोग मोबाइल जो है ना, कोई मोबाइल न्यू आना हो ना, वहाँ पे लिखा होता है कि कमिंग सोन, और आप लोग अपना ऑर्डर करवा सकते हैं। तो मार्केट में मोबाइल बाद में आता है, पहले आपके पास मोबाइल जो आ सकता है। प्री ऑर्डर यानी कि ऑर्डर पहले से आप लोग ऑर्डर कर दें, देन मार्केट में आने से पहले आपके पास जो है मोबाइल आ जाएगा। उसके बाद होती है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह अभी रिसेंटली हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में फाइनल में जाकर हार गया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला जीतेंगे हम लोग ज़रूर। तो उसमें क्रिकेट में क्या होता है कि दराज ने ऑनलाइन मैच चलाया हुआ था। वो ऑनलाइन मैच क्यों चलाया था, क्योंकि कोई बंदा आएगा मैच देखेगा दराज में से, शायद स्क्रॉल डाउन करें, कोई प्रोडक्ट देख ले, उसको पसंद आ जाए, देन वो क्या हो अपनी उसकी वेबसाइट से चीज़ें परचेज़ कर ले। आप लोग देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप लोग यूज़ करें तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारा वीडियोज़ वगैरह आते हैं, बहुत सारी लिंक्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं जो आप लोगों को विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, नेगेटिव हमारे पास होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट,
जिस तरह अगर एक हमारे पास मॉल है, कंप्लीट मॉल है, मॉल के अंदर अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, देन क्या होगा कि वो किसी को प्राइस प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उतार कर ला रहे हैं, देन उनका एम्प्लॉयमेंट था, देन के इनका मुलाजम था काम करने वाला। लेकिन अगर वो ऑनलाइन वो सारी चीज़ें कर दें, देन वो 50 की बजाय जस्ट 10 बंदों को रखेंगे जो डिलीवरी कर सकें बस, तो क्या होगा कि 40 अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी इंक्रीज हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी, कि अगर हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसे दे दिए, हमें ये कंफर्म नहीं होगा, ये यकीन नहीं होगा कि वाकई में हमारा ऑर्डर आ जाएगा या नहीं नहीं आएगा। या ये भी एक इशू होता है कि हमने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन हमारा ऑर्डर वही आएगा जो हमने मंगवाया, अगर वो ना आया तो क्या वो चेंजेबल होगा, ये भी एक बेयकीनी होती है। उसके बाद हमारे पास होती है सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड कस्टमर ट्रस्ट, यानी कि सिक्योरिटी का इश्यूज़ भी होता है, यानी कि जिस तरह उनका हम लोग कहें कि हमने अगर क्रेडिट कार्ड का अगर हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट के थ्रू शेयर कर दी, देन वो सिक्योर भी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना वो बहुत कम बनता है, लाइक जिस तरह अभी अनसर्टेनिटी में हमने देखा कि जो प्रोडक्ट मंगवाया क्या वही प्रोडक्ट आएगी या कोई और आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास होता है रिटर्न एंड कंप्लेंट्स, सेम एज इट अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने देख लिया कि ये भी इशू था कि हमारे पास रिटर्न नहीं हो कर सकते, ना ही कोई कंप्लेंट वगैरह उसकी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसके इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों कह सकते हैं ऑन सोसाइटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।